हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं। चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो, किसी से भी डाटा लेके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी ऑर्डर का ऑर्डर नंबर जो है उसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से बल्क अपलोड कर सकते हैं, बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कोई भी तीन प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग वेबसाइट से प्रोडक्ट्स लूँगा। ये तीनों वेबसाइट मैंने अलग अलग आपको दिखाने के लिए चूज़ की हैं कि आप किसी भी वेबसाइट से डाटा लेकर लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम एक कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीन प्रोडक्ट्स अलग अलग वेबसाइट पर ओपन कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, डाटा जो है फिल करना है फाइल के अंदर। तो यह है एक CSV फाइल जिसके अंदर आपको डाटा फिल करना है। इस फाइल की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉलम को हटा सकते हैं और किसी भी कॉलम को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले SKU बना लेते हैं। तो मैं ऐसे ही कोई भी तीन SKU बना लेता हूँ। अब ऐड करेंगे इमेज लिंक। तो यहाँ से सीधे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ कर दूँगा मैं इसको पेस्ट। तो इस तरीके से आपको फाइल के अंदर डाटा जो है कम्प्लीटली फिल करना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो डाटा हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया है। अब इसको करेंगे सेव, यस, ठीक है। इसके बाद सीधे आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, चूज करेंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ CSV फाइल। मैं सीधे यहाँ से फाइल को लूंगा इस तरीके से और यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, इसको करूंगा कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है मैन्युअली करनी है। जैसे देखिए इमेज URL जो है वो डू नॉट इम्पोर्ट दिखा रहा, तो इसको आपको सही करना है। यहाँ पे आपको चूज करना है इमेजेस इस तरीके से। इसी तरीके से नीचे आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डू नॉट इम्पोर्ट, तो इसको सही करना है, डिस्क्रिप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। यानी कि जो कॉलम जिससे रिलेटेड है उसको आपको चूज करना है, बाकी सारे सही हैं। अभी रन द इम्पोर्टर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली इम्पोर्ट हो चुके हैं। और ये देखिए हमने प्रोडक्ट्स जो है वो सक्सेसफुली इम्पोर्ट कर लिए, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने में। आप सीधे सीधे फाइल के थ्रू बल्क अपलोडिंग कर सकते हैं, जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अनदर वेबसाइट में करते हैं। ये जो सैम्पल फाइल है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से ऑर्डर नंबर को एडिट कर सकते हैं। तो आपको इंस्टॉल करनी है ये वाली प्लगइन, वूकॉमर्स एडिट ऑर्डर नंबर्स, ठीक है। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप सीधे सीधे किसी भी ऑर्डर नंबर को एडिट कर सकते हैं। तो सीधे मैं आपको एक ऑर्डर जो है एडिट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑर्डर्स में आ जाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से ऑर्डर नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा एडिट ऑर्डर्स का। यहाँ पर आप जो भी नंबर डालेंगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 01 है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 02, और इसको करेंगे इस तरीके से प्रोसेस ऑर्डर नंबर अपडेटेड। अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑर्डर नंबर है वो चेंज हो चुका है। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।